जा रही है तो मैं होंगी अकेली, मुझे ना बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है। सब्ज़ धनिया इतना हमारे घर में आया हुआ ना, मेरा दिल कर रहा है मैं कल सब्ज़ धनिया की आंडी बनाऊं। ओ भाई बह जा गड्डी चो, मेरे चावल मतलब मेरे चावलों का हलवा बन जाना है, मैंने बिरयानी मोहल्ले में भेजनी है। सारी जी बिरयानी जो है वो मैंने इस तरह डिशेज में डाल दी है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। माशाल्लाह से आधा रमज़ान गुजर गया है, मौसम बहुत ठंडा है, बहुत प्यारा, बहुत मज़े के रोज़े जो हैं वो गुजर रहे हैं। अभी मैंने इंस्टाग्राम के लिए एक वीडियो शूट करनी थी तो मैंने नेल्स वगैरह लगा लिए, लेंस लगा लिया, तो साथ में मैं बना रही हूँ बिरयानी। आज मेरा दिल है मोहल्ले में बिरयानी भेजेंगे इफ्तारी के लिए, काफ़ी दिन हो गए हैं बंदा बिरयानी वगैरह बनाई भी नहीं है, और मैंने कहा वहाँ पे भी भेज देंगे और आज करूँगी मैं अकेले अफ्तारी। मुझे ना अकेले रहने से बहुत ज़्यादा डर लगता है, सच्ची मैं आपको एक बात बताऊँ। मलाइका वहाँ पे है, मेरे हस्बैंड अमूमन जो है वो दफ्तर चले जाते हैं, ऑफिस में उनकी अफ्तारी होती है जिस तरह फ्रेंड्स की तरफ, कभी कहीं कभी कहीं। आज रूशा जो है वो अपनी फ्रेंड्स के साथ जा रही है तो मैं होंगी अकेली, मुझे ना बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है। खैर इस घबराहट को करेंगे कम। और ये देखें ये सारे जो सूट्स हैं ये जा रहे हैं ईद के गिव अवे में। अच्छा जो लोग इंस्टाग्राम पे हैं उनको मेरी तरफ से बहुत सी ईदी मिलती रहती है, सूट्स मिलते रहते हैं, फेशियल मिलता रहता है, अनस्टिच सूट मिलते रहते हैं, ठीक है, बैग्स मिलते रहते हैं। तो आप लोग इस तरह करें इंस्टाग्राम पे आकर मुझे फॉलो कर लें, ठीक है, और जो भी मैं पोस्ट लगाया करूँ कोई प्यारा सा कमेंट कर दिया करें। कल मैंने ऐसे ही परसों एक इंस्टाग्राम के ऊपर अपनी एक वीडियो लगाई थी, उसमें मैंने कहा जो सबसे प्यारा कमेंट करेगा उसको मिलेगा मेरी तरफ से ईद का जोड़ा। तो अब जी ये वाला जो ईद का जोड़ा है ना, ये वाला, ये अनस्टिच उन्हें मेरी तरफ से जा रहा है, इंतहाई खूबसूरत ये वाला जोड़ा है, ये उनको मेरी तरफ से जाएगा। और ऐसे ही ये सारे जोड़े जो हैं ये जा रहे हैं गिव अवे में, ठीक है। कोई ऐसे मैं खास कोई रूल्स नहीं होते, कुछ भी नहीं होता, सिर्फ आपने मेरी वीडियो को लाइक करना होता है और कोई प्यारा सा कमेंट कर देना होता है। अभी मैंने पहले वीडियो बनानी है, फिर घर के छोटे छोटे काम हैं, घर अभी बिखरा हुआ है, सर्दियों के कपड़े रख दिए हैं, गर्मियों के निकाल लिए, और हमजा के शुक्र है ये वाले चार पांच शलवारें कमीज़ें जो है ना वो अच्छी एक निकल आई हैं। साथ में जो है बिरयानी का मसाला बन रहा है, खाना बन रहा है, मैं रोज़ा भी है, और ये देखें ठीक है बिरयानी स्टेज तक पहुँची है। तो मैंने कहा तब मैंने आज मोबाइल उठाना है कि ये ना हो कि जब बिरयानी जो है वो मेरी कुछ डिस्टर्ब ना हो। अब नूरीन को भी माशाल्लाह अच्छी एक बिरयानी बनानी आ गई है, इतने ज़्यादा लोग मुझसे पूछते थे आप ही नूरीन किधर है, नूरीन किधर है, यार नूरीन इधर ही है, कहीं नहीं गई उसको, माशाल्लाह माशाल्लाह मैं उसका इतना ख्याल रखती हूँ, क्योंकि कल को हमने अपने हेल्पर्स के हिसाब, अपने हेल्पर्स के मामले का भी हमने हिसाब देना है। तो अभी मैं पहले एक कॉन्टेंट शूट कर लूँ इंस्टाग्राम पर, तो फिर आप लोगों के साथ जो है वो आगे हम रेगुलर जो है वो ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे। फेशियल हमने कर लिया है यार, इतने कमाल के रिजल्ट्स आए ना, ऐसे स्किन चमचम कर रही है, कोई चीज़ मैंने किसी किस्म की अप्लाई नहीं की। इंस्टाग्राम पे आएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने कौन सा फेशियल जो है वो किया है। बिरयानी की अब तैयारी करते हैं, नेल्स उतार दिए हैं, अब करें असर की नमाज़ पढ़ ली है, सारे काम हो गए हैं। रूशा का जो ड्रेस है वो सिल गया शुक्र है टाइम के ऊपर, उसके बाबा जो है उसका ड्रेस लेने के लिए गए हैं, रूशा हो रही है तैयार, हो जाएगी यार मुझे मारेगी। हम अम्मियों की क्या ज़िंदगी है, घर में बिरयानियाँ बनाएंगे बांटेंगे और ऐसी ज़िंदगी गुजार लेंगे, लेकिन कोई गल नहीं, इसकी अपना टाइम कट लिया ना इस वास्ते। अब चलते हैं अंदर जाके बिरयानी को फटाफट दम दुम लगाते हैं, लोगों के घर भेजने हैं, ये ना दम दमा दम हो जाए, मतलब कि कोई मसला बन जाए, लेट ना हो जाए मेरी बिरयानी। अच्छा मौसम जितना भी चेंज हो गया लेकिन फिर भी दिल करता है कि हल्की हल्की बंदा वूलन शॉल जो है ना वो लिए रखे, और रुशा जो है वो वहाँ पर तैयार हुई। रुशा एक्साइटेड हो? रुशा ने आज अपनी बहुत पुरानी फ्रेंड्स के साथ जो है वो मीटअप रखा हुआ है। मलाइका की ये ईद पड़ी हुई है, जो मलाइका की चीज़ें आ गई हैं, मलाइका की चूड़ियाँ लेनी है, मेहंदी लेनी है, इस तरह की चीज़ें भी मलाइका की थोड़ी थोड़ी सी लेनी है, वो इकट्ठी करेंगे, वो मलाइका को भेजेंगे, और फिर वो वहाँ पे ज़ाहिर है कुछ ना कुछ स्टाइल करेगी तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेगी। हमारे बगैर ज़ाहिर मलाइका की पहली ईद है। अब मैं चलती हूँ सीधा किचन में क्योंकि वहाँ पर जो है वो टाइम ना हो, यहाँ पर ये अफ्तारी हमने लगा दिया है। सिमा आज एक प्लेट कम करो यार, आज रुशा की बाहर अफ्तारी, ठीक है। और ये जी बिरयानी जो है वो बन रही है, ये मसाला उसका तैयार हो गया, आलू गोश्त जो है वो बन गया, इसको सहरी के लिए बनाया क्योंकि पता है सहरी में ना दिल चाहे जो भी बना लें दिल करता ही करता है कि हल्का सा पराठे के साथ ना सालन का टच हो। मिसाला अब ये बना दिया भाई, टोटल अंदाजे में बनाया। अगर मेरी किसी मोहल्ले की बहन ने ये कहा ना कि बाजी थोड़ी मसाले भी बिरयानी नमक घट सी तो पता चल जाएगा तुहानू कि ज़ाहिर रोज़ा सी तो इस वास्ते थोड़ा जहा नमक घट सी। तो चलें जी अब लाइट्स ऑन करते हैं और फटाफट जो है वो बिरयानी को फाइनल करते हैं। अब तो भाई टाइम है किचन में मैस बनाने का क्योंकि सारा दिन किचन भी बेचारा सहरी का साफ सुथरा पड़ा हुआ सोच हो गई थक जाता है, और अभी साथ साथ मैं बिरयानी बना रही हूँ, साथ साथ काम ये चल रहे हैं। अच्छा ईद के जोड़े की कोई अभी अपडेट नहीं है, मैंने एक दो जोड़े मुझे एक दो ब्रांड से भेजे थे वही हैं, शायद मैं वही ईद से जो है वो कुछ ना कुछ स्टाइल कर लूँ। और आप लोगों ने यार मेरे ब्लू वाले सूट को इतना पसंद किया और वो मैंने खुद भी नहीं इमेजिन किया था कि मतलब वो वाला जोड़ा जो है वो मुझे इतना जचेगा, मतलब
सबको बहुत ज्यादा वो प्यारा लगा, मुझे खुद भी बहुत ज्यादा प्यारा लगा उस रील को। आप लोगों ने इतना ज्यादा यार वो पसंद किया ना कि मैं ग्रेटफुल हूँ, और लेकिन वाकई वो सूट भी यार बहुत प्यारा लगा। अभी हम निकालते हैं जी इधर से ट्रेस, ठीक है, प्लेट्स रखते हैं क्योंकि ये भी ढेर सारा काम बन जाता है अच्छा खासा। ये देखें ये ट्रे रखेंगे हर एक घर को लहता लहता करके भेजेंगे। यार ये मुझे कल किसी ने फ्रूट बास्केट भेजी है एक पेज ने, इतनी ज़बरदस्त है, इतनी स्टाइलिश मुझे लगी है ना ये वाली फ्रूट बास्केट। प्लेट्स अब मैं निकालती हूँ, ये वाली बड़े वाली, ये वाली निकालते हैं, ठीक है। और यहाँ पर लोग, मैंने आपको पहले भी बताया था, बहुत ज़्यादा चीज़ें भेजते हैं, लेकिन फिर आपके बहन की बिरयानी के आपकी बहन के हाथ की बिरयानी की तो फिर यार क्या ही बात है। अच्छा जी ये बड़ी प्लेट्स निकाली हैं, साथ में मैंने कुछ छोटी प्लेट्स भी निकाली हैं क्योंकि यहाँ पर ना छोटे छोटे मतलब फैमिलीज बहुत ज़्यादा रहती हैं, एक दो करके मियाँ बीवी हैं, छोटे विलाज हैं यहाँ पर, तो छोटी छोटी फैमिलीज रहती हैं। यार लड़कों की मौजें होती हैं, हस्बैंड मेरे चले गए हैं बाहर, हमजा अपना खेल रहा है, मुझे कामों की पड़ी हुई है, छोटों की वैसे भी मौजें होती हैं। रुशा को देखें अपना आराम से तैयार हो रही है जाने के लिए, मौजें मार लो बेटा मार लो। ये नहीं कि मामा मैं आके बर्तन धो दूंगी, आपकी हेल्प कराऊंगी, है ठीक है जी। अच्छा अगर आप लोगों के चावल जो हैं वो ज़्यादा निखरे नहीं ना बनते, तो जब आप चावल इसके अंदर ऐड कर दें तो इसके अंदर थोड़ा सा सिरका ऐड करके इस तरह से हिला लिया करें, बहुत अच्छे निखरे आपके जो चावल हैं ना वो बनेंगे। सब्ज़ धनिया इतना हमारे घर में आया हुआ ना, मेरा दिल कर रहा है मैं कल सब्ज़ धनिया की हांडी बनाऊँ माशाल्लाह। तो अभी ये चावल जो हैं इनको स्ट्रेन करके तो फिर हम बनाएंगे बिरयानी को दम लगाएंगे, ठीक है। फिर बाद से उषा के कपड़े भी आने वाले हैं, थोड़ी सी मुझे वही एक्साइटमेंट है, लाइक तो अब सैरी करके इस टाइम ज़्यादा सो रही होगी। वो पंजाबी में कहते हैं ना कि पई शाय काम दे ही देती है। अभी हमजा मुझे इंसिस्ट कर रहा था कि मुझे टैब ले दे, लेकिन अरुषा की टैब पड़ी हुई थी, तो अभी हमजा जो है वो खेल रहे, कह रहे मुझे ड्राइविंग आ गई है। मैंने कहा काश तुम्हें असल में भी आ जाए ना, तुम्हारे पापा को भी रेस्ट मिल जाए, हर जगह पर उन्हें हमें साथ ही लेके जाना होता है हमजा, जबरदस्त। ये तुम्हें ड्राइविंग आती है, अभी तक तुम्हारा ड्राइवर जो है यार वो गाड़ी तक ही नहीं पहुँचा, लो वो स्विमिंग पूल में जा रहा है हमजा। यार ये कैसी ड्राइविंग तुम्हें आती है, गाड़ी तो ओ भाई बह जा गड्डी चो, मेरे चावल हमजा मेरे चावलों का हलवा बन जाना है, मैंने बिरयानी मोहल्ले में भेजनी है यार। शुक्र है इसका जो ड्राइवर गाड़ी में बैठा है, बिल्कुल हमजा की ड्राइविंग अगर करने लगे तो कोई इसके साथ ना बैठे, बिल्कुल किसी किस्म का आप लोगों ने रिस्क नहीं लेना, अगर आपने रिस्क लेना है तो आपने अपनी जिम्मेदारी को लेना है। और शुक्र है जी हमजा के ड्राइवर जो है वो गाड़ी में बैठ के, वो पता नहीं आप कहाँ पे समुंदर में ले गए, नहीं नहीं सड़क पे ले आया, शुक्र है। नहीं हमजा हमारा ड्राइवर जो है ना वो पास है, लेकिन हमजा के साथ कोई भी ड्राइविंग पे ना बैठे। अभी मैंने आपको बताना था कि दराज के ऊपर लग गई है सेल, अप टू 75% का डिस्काउंट है, ग्रोसरीज पर इतना ऑफ है कि आपको हर चीज़ जो है वो तकरीबन 200 से 300 रुपये जो है वो सस्ती मिल रही है, और साथ में बैंक वाउचर्स हैं, साथ में हॉट डील्स हैं, और साथ में सबसे बढ़ के फ्री डिलीवरीज हैं। अच्छा एक और मैं आपको मजे की बात बताऊं कि इलेक्ट्रॉनिक्स पे इतना ऑफ है, जिस तरह मैंने एयर फ्रायर लिया था वो अब जो प्राइस है उसमें से 6 से 7 हज़ार रुपये सस्ता मिल रहा है। लिंक मैं लगा रही हूँ डिस्क्रिप्शन में, और साथ में माई कलेक्शन का भी लिंक होगा, जहां से जाके आपने जो भी चीज़ बाय करनी है आप कर लें, जो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, हैंगर, हीटिंग पैड, ऑर्गेनाइजर्स, कॉस्मेटिक्स, हर एक चीज़ के ऊपर डिस्काउंट है, इसमें बहुत कैची बहुत ज़बरदस्त डिस्काउंट है, बिल्कुल ये चांस जो है वो मिस ना करना, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बिरयानी को यार ज़बरदस्त वाला मैंने जो है वो दम लगा दिया, ठीक है, जिस तरह मैं दम लगाती हूँ उसकी डिटेल्ड रेसिपी मेरी बिरयानी की जिस तरह मैं बनाती हूँ वो चैनल के ऊपर है। एक बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया, ब्लंडर ये हुआ है कि जो अभी अरुषा ने सूट पहन के जाना था, जो मैंने आपको बताया था मेरे हस्बैंड टेलर के पास गए हुए, सूट आ गया और उसके साथ का दुपट्टा नहीं आया। अरुषा ने ये वाला सूट पहनना था, अब ये वाला पहन के जा रही है, मतलब सूट का दुपट्टा ही नहीं आया, और सारी इस सूट की जो रौनक थी ना वो इसके डिजिटल प्रिंट के दुपट्टे में थी। अब मैं टेलर को फ़ोन कर रही हूँ, मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रहा, मतलब अरुषा आज को ब्लंडर डे है तुम्हारे साथ ना, ब्लंडर्स ही होने हैं, ठीक है। फिर मैंने कहा चलो तुम ये वाला पिंक पहन के चली जाओ, ये भी शुक्र है ये सिल गया था, इसके साथ दुपट्टे का कोई मसला नहीं है, ये वैसे ही टू पीस था। चलो हो गई हूँ तैयार, मैं अपनी फ्रेंड्स को इतने अर्से बाद मिलने जा रही हूँ, लाइक को एक साल से ऊपर हो गया, ये ड्रेस मामा ने मेरा अभी अभी बिल्कुल सिल के आया है, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उनसे मिलने के लिए, और अब हम उधर जाके इफ्तारी करेंगे। मामा मैं जा रही हूँ फिर, हाँ जी, ओ बिरयानी भी बन गई, मैं तो कहती हूँ मुझे बिरयानी दे दें, वो उधर जाके खा लूँगी। हाँ ये भी है, क्या बात है, लुक दिखाएं बिरयानी की, वाह मुझे भी खानी है, ठीक है एक एक चावल खाने का, क्या बात है। इसको 5 मिनट और दम देते हैं फिर मैं डिस्ट्रीब्यूट कर लूँगी, ठीक है। मेरी भी रख दीजिएगा फिर मामा, ध्यान से, ओके, वो ढेर सारे डब्बों में, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल करना। चलें जी अब करते हैं बिरयानी की बिस्मिल्लाह, मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करते हैं जी। अच्छा ये इतनी मज़े की बिरयानी की रेसिपी है ना, और इतनी सिंपल है, आप लोग घर में आराम से बना सकते हैं। काफ़ी सारी मेरी बहनें जो हैं वो बनाती हैं, मलाइका वहाँ पर यही जब मेरी हाथ की बिरयानी मिस करती है तो मलाइका भी ऐसे ही बना लेती है, और देखें एक एक चावल निखरा निखरा बनता है।
तो उसके लिए आप लोग मेरे चैनल पे आ जाएं। अच्छा, यूट्यूब की ना एक और मुझे ये बड़ी अच्छी बात लगती है कि आप लोगों की इस तरह जो है वो हेल्प होती रहेगी। अब मैं सिमाक को कैमरा पकड़ाऊंगी और खुद मैं ये फटाफट प्लेट्स बनाऊंगी। बिस्मिल्लाह करते हैं। मेरा ये दिल है कि इफ्तारी से पहले पहले ना हम सबके घर भेज दें, ताकि फिर जिसने जिस तरह अपनी इफ्तारी की प्लेट बनानी है वो अपनी बना लें। ठीक है ना सिमाक जी? टाइमली हर एक के घर जो है वो हमारी इफ्तारी हमारी तरफ से पहुंच जाए। मजेदार सी, कौन गाड़ी थी मेरी अभी मैंने उसका एक नया चीज को गया तो बड़े मजे की गाड़ी आ। और सारी जी बिरयानी जो है वो मैंने इस तरह डिशेस में डाल दी है। ठीक है, जिस जिसके घर जो जो जानी है वो उसकी किस्मत है उसे मिल जाएगी। अब हमजा की और सिमाप की ड्यूटी लगाते हैं, फटाफट जाओ बिरयानी दे के आओ। सिर्फ भाई 20 मिनट रह गए हैं अफतारी होने में। हाँ जी चले भाई सिमाप, चलो ड्यूटी शुरू करो। हमजा जाओ आप ही के साथ जाओ, चलो जल्दी करो ग्लासेस उतार दो। अब सबको ना सही तरह से दे के आना, दोनों जाओ जल्दी जल्दी। ठीक है, मैं अब फटाफट जो है वो अफतारी लगाती हूँ। यार शरबत ही नहीं बनाया, चंगी रहेगी वैसे सिमाप तुम भी हैं। शरबत भी अब मैं ही बनाऊँ, बिरयानी भी मैं ही बनाऊँ। आज रुशा नहीं थी तो इनको लग रहा जैसे हमारे भाई रोजे ही नहीं है, पसीने से मेरा बुरा हाल हो गया। और इन बेगमात को ना बस अल्लाह ही है, अल्लाह ही है बस। उसके बाबा उसको छोड़ने के लिए चले गए रुशा को। हमजा ना करो टाइम आए, अब तुम्हें साइकिल की पड़ गई है यार, पहले देर हो रही है, अभी मैंने शरबत भी बनाना है। चले घर, वो इतने दूर नहीं है, इधर मोहल्ले में हमने करीब करीब ही भेजने हैं यार। ये साथ साथ वाले तो हमजा घर है, हमजा मलिक। चलो तोबा यार, कितने सुस्त हो तुम लोग। चलो 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 जल्दी करो, जल्दी 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 जल्दी। हरिया फरिया पहले उस घर में, फिर उस सारों में। चलें जी, ये इतनी प्लेटें आ गई हैं, ये खाली प्लेटें मुझे तो एक जो घर में नहीं थे वो जाके उनके अगले घर में दे आओ। हमजा जाओ सिमाप के साथ, जल्दी 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 दे आओ। इनके इनसे काम ही नहीं होना यार, मैं आप जाके खुद ही शरबत बनाऊँ। साइकिल हमजा किधर छोड़ आए हो? माँ सद के साइकिल वो उधर खड़ी कर आए हैं और खुद जाके इसके साथ जाके बिरयानियाँ बांट रहा है। बेटा बिरयानी तो पीछे ना अपनी नवी साइकिल ना घुमा दें। चले 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 जी अंदर, देर हो गई आज, अच्छी खासी देर हो गई, अच्छी खासी। ओए ओए ओए, अकेले कितने ज़्यादा यार काम होते हैं, इतनी जिम्मेदारियाँ बन जाती हैं ना, बंदा क्या करे कसम से। अब ये बिरयानी रह गई है, ये जल्दी जल्दी बांटते हैं। आज तो भाई सारे काम जो है ना वो नए नए हो रहे हैं आज ना। मैंने लेमन पहले निकाल के रखे हैं कि वो अनफ्रीज हो जाता। ये देखे, ये सारे लेमन मैंने अंदर ऐसे रखा हुआ है, ये बोतल। अब इसको पहले मेल्ट करती हूँ, फिर जल्दी जल्दी शाम में शीरी बनाती हूँ। आज स्ट्रॉबेरी शेक भी नहीं बनाती, ठीक है? क्योंकि टाइम यार कम रह गया, सिर्फ 5 मिनट रह गए इफ्तारी में, तो फटाफट जी। ये देखे, अब थोड़ा सा लेमन के अंदर मैंने पानी जो है वो ऐड करेंगे, फटाफट ऐसे करेंगे। जितना लेमन अंदर आ गया भाई आज ठीक है, आज जड़ा बन गया खाओ पियो। कसम से यरुशा की ड्यूटी होती है एक, उसने शरबत बनाने होते हैं और मेरे जहन में यही था कि यरुशा बना लेगी। ओए भाई ज़्यादा खट्टा ही ना हो जाए, खट्टा हो गया तो गला बड़ा ख़राब हो जाना है। अब फटाफट इसके अंदर हम जामे शीरी जो है वो ऐड करते हैं। ठीक है जी, ये इतना सा जामे शीरी, ठीक है? मिक्स 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 मिक्स। शुक्र है डिस्पेंसर मैंने अभी ऑन किया, नहीं तो माशाल्लाह हमारा डिस्पेंसर जो था ना वो भी था ऑन होना। ये देखें, चलो शुक्र है जामे शीरी जैसा कैसा भी तैयार हो गया। पक्का बहाना नहीं अच्छा बना तो भाई ख़राब बने होना है, क्योंकि रोज़ा से। शरबत जो है वो मैंने बना दिया भाई, आलू गोश्त पहले रख दिया था वो ठंडा हो गया। ये बिरयानी बांट के आ गए और अल्लाह के बंदो भी 2-3 घर रह गए हैं, वो बिरयानी बांटने वाली है उन लोगों को। हाँ उन लोगों के घर जाओ, जाके दे के आओ, जल्दी जल्दी करो दे के आओ। हमजा को सार में नहीं है ना बर्फ, बस बेटा जो जड़ा काम मैं नहीं देखना ये गलत होना, ये उनके डब्बे हैं उनको घरों को वापस कर देना, और ये उनको बिरयानी जो है दे देना। बेटा नैपकिन से ढांप के ले जाओ अंदर, कोई मक्खी मच्छर ना गिर जाओ, ना कहना बाजी ने गंदी बिरयानी बना देती है। तुम्हें पता है मेरी बिरयानी बहुत वर्ल्ड क्लास होती है, हर एक को पसंद है। चलो जल्दी जल्दी जाओ, जल्दी 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 हरी अप, जल्दी 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 जल्दी। अच्छा वैसे मैं आप लोगों को एक मज़े की बात बताऊं, अभी टाइम रहता है लेकिन मैंने एवं ही जल्दी मचाई हुई है, पता नहीं क्यों एवं मैं इसलिए जल्दी मचाती हूँ ताकि ना ये बच्चे ज़रा एक्टिव हो जाते हैं। इनको पता होता है कि हमने जल्दी जल्दी ना काम करना है, नहीं तो ये काम ही नहीं करते, नहीं तो ये ईजी रहेंगे, रिलैक्स रहेंगे, मट्ठे मट्ठे चलेंगे, मट्ठे मट्ठे काम करेंगे। ये जल्दी 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 मचाए रखें, ये खुद ही काम करते रहेंगे फिर। चलें जी, 2 मिनट रह गए इफ्तारी में और अफ्तारी मैंने सारी तैयार कर दी। अब यहाँ पर मेरा जो दिल है ना वो डूबने लग पड़ा है, क्योंकि कोई भी नहीं है, सिर्फ हमजा और मैं हैं घर पे। चलो साथ में सारे सिमाप भी है, लेकिन आप अपने बच्चों को, हस्बैंड को, हर एक को मिस तो करते ही करते हैं ना, वो थोड़ा सा आप लोग समझ सकते हैं। तो चलें आप जी रोज़ा अफ्तार करते हैं, हमजा भी बिल्कुल आ जाता है। बस पता नहीं, मैं कहती हूँ यार ये वाला दिन ना हो ज़िंदगी में, एक बंदा अकेले अकेले ऐसी ज़िंदगी गुजारे ना। मुझे शुरू से ज़्यादा ज़्यादा लोग पसंद है, मुझे ज़्यादा ज़्यादा लोगों में रहना पसंद है। ये जो थोड़े थोड़े लोगों में ना थोड़ा सा मुझे मेंटली स्ट्रेस हो जाता है।
चलें जी इफ्तारी मैंने लगा दी और इसके बाबा भी आ गए। मुझे तो था कि आप चले गए हैं साथ ही कहीं दोस्तों शोस्तों के पास, मैं इतनी परेशान हो गई। मैंने कहा हमजा भी अभी तक नहीं आया, वही मैं बिल्कुल अकेली हो जाऊं। मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो गई थी पर मुझे रोना आ गया था। मैंने कहा था यार क्या बंदा, मैं कहती हूँ ढेर सारे बच्चे हो ना, बंदा अपने बच्चों के साथ रहे, चलो एक दो चले भी जाएँ, लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि अब हमारे माँ बाप हैं, हम भी तो 6 माशाल्लाह से बहन भाई हैं ना, हम सारे अपने अपने घरों में होते हैं, अम्मी अबू भी तो अकेले हो गए हैं, लेकिन शायद उनके फ़र्ज़ वगैरह अदा हो गए हैं, शायद इसलिए वो इस चीज़ का उनको सुकून होगा, लेकिन परेशानी भी होती है, अपने बच्चों को देखने को दिल तो करता है। फिर खैर कोई नहीं, ज़ाहिर बच्चों ने अपने फ्रेंड्स के साथ भी जाना है, बच्चों ने आगे पढ़ना भी है, बच्चों ने मुल्कों से बाहर जाना है, शहरों से बाहर जाना है, कोई बात नहीं, इट्स ओके। चलिए मेरा ख्याल हो गया है सारा, चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। अभी तक हमज़ा नहीं दे के आए बिरयानी, उनके घर में ये बच्चों के पास बैठ गया होगा हमज़ा खेलने के लिए। आज जी आज हमारी इफ्तारी कम और खाना ज़्यादा लग रहा है, ठीक है, सैलड बिरयानी रोज़ा हो गया जी, बिस्मिल्लाह करते हैं, बिरयानी खाते हैं अंदाज़े पे। आप वैसे बना बना के अपने हम माओं को इतना अंदाज़ा हो जाता है कि वही बहुत हो जाता है हमारे लिए। चलें जी अब बिरयानी खाते हैं, और साथ ही रौनक लग गई है ना, हमज़ा भी आ गया, उसके बाबा भी आ गए हैं। चलें जी अब बिस्मिल्लाह करते हैं बिरयानी के साथ। इफ्तारी के बाद ना अपना होमवर्क कर रहे हैं। कौन सा? पापी बोले कैसी बनी हमजा? मजे की नहीं, बहुत मजे की। अच्छा अच्छी बनी है ना? बहुत मजे। अच्छा वाकई बहुत मजे की बनी है। मैंने नहीं अंदाजा लगाया था कि मैं मतलब अंदाजे पे ऐसा खाना बना लूंगी, लेकिन शुक्र अल्लाह ने इज्जत रख ली है, मतलब आज इतने लोगों के घरों में जाती थी बिरयानी और मुझे था कि पता नहीं कैसी बने ना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मजे की बनी है। और भाई अरुषा आ गई है जी, हाय कैसे हो? ठीक आप सुनाए, कैसी रही इफ्तारी? बिरयानी पड़ी तो बस तक पर तुम तो आती गई हो, खा के नहीं आई? 3000 रुपए लेके कैसी कुछ नहीं खाता? नहीं वहाँ पे बिरयानी पड़ी हुई थी और मैंने कहा कि नहीं मैंने घर जाके खानी है, वहीं पे खा लेती ना जो 3000 लेकर आई थी। चले था मैंने बिरयानी खा ली, फिर कुछ और काम करूंगी। चलो ये मैंने बिरयानी ऐसी रखी हुई है तुम्हारे लिए, यही खा लो बस। नहीं वो भी पड़ी हुई है बेटा, अंदर भी पड़ी हुई है डब्बों में, पूरा घर भरा हुआ है बिरयानी से आज। बस ठीक है, डन जी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उम्मीद है कि आज का ब्लॉग भी आप लोग को अच्छा लगा होगा। अल्लाह ताला हर एक के घर को ऐसे ही भर के रखे, हंसी खुशी रखे, जोड़े रखे, और हर एक के दस्तरखान को जो है वो आबाद रखे। दराज की जो मैंने आपको सेल का बताया था उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जाके जो चीज़ लेनी है ले लें। हर चीज़ के ऊपर ऑफ है, ग्रॉसरीज पे ऑफ है, ब्यूटी कॉस्मेटिक्स पे ऑफ है, मेकअप पे ऑफ है, कपड़ों पे ऑफ है, जूतों पे ऑफ है, बेडिंग पे ऑफ है, ग्रॉसरीज के ऊपर इतना कैची ऑफ है, और सबसे बढ़ के इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर बहुत अच्छा ऑफ है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह ताला मिलूंगी आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।